लाइव हर जुर्म का पर्दा। खबर बलिया से है, जहां रसड़ा थाना क्षेत्र स्थित नगहर गांव में आज सुबह वाहन खड़े करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली दाग दी, जिसमें सुरेश राजभर नामक युवक घायल हो गया। बाकी चार को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को CHC रसड़ा पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सुरेश राजभर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल से भी बेहतर इलाज के लिए घायल को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घायल की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। घायल युवक सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष का पिता बताया जा रहा है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए SP बलिया राजकरण नायर ने बताया कि मामले में घायल पक्ष से तहरीर लेकर अन्य पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमारा तो नाम कैलाश राम, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं, तो हुआ ये था भाई कि यहाँ गाड़ी लगी थी, एक लड़का हमारे गांव का यार, क्या उसका नाम है, पीयूष हाथ, कहने लगा भाई हम इस रोड से जाएंगे, अगर नहीं आप लोग हटाते हैं तो हम उसको तोड़ फाड़ कर देंगे। इसी पर थोड़ा नोक झोंक हुआ और नोक झोंक होने के बाद चले गए लोग। अब सुबह में हमारे प्रधान जी सोचे कि भाई इनका आपस में सुलह हो जाए, गए थे तो इस घर का जो गार्जियन है वो भी गए थे। जब वहाँ से लौटे तो उनको रास्ते में पकड़ के मारने लगा। जब मारने लगा तो भाई कोई भी मानेगा तो नहीं, तो हम लोग भी गए, फिर बढ़ गया। इसके बाद फिर लोग आ गए, अपना बहुत बढ़िया से व्यवस्था बना करके कट्टा और सट्टा लेकर के चले थे लोग। इसके बाद हाँ भाला वाला सब, कट्टा भाला वाला सब, एक लोग गोली लगी बनारस रेफर हुआ है, रेफर हुआ बनारस, क्या हुआ? अरे गोली लग गई थी कट्टा से, उस गोली का से दो खोखा खोखा मिला हुआ है, तो पुलिस वाले उसके मतलब कब्जे में रखे हैं। हम किसको गोली लगी है? सुरेश राजभर उनको लगी है। कौन मारा है? मारने वाला हरीश सिंह। बताइए, मेरा नाम कौशल है और मेरा गांव नगर है और थाना रसड़ा पड़ेगा। आपके यहाँ कैसा ये घटना घटा है नगर में? नगर में देखिए 13 दिन पहले मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया। क्या नाम है? शारदा देवी। तो उनकी 13वीं की कल थी, 22 तारीख को, कल कितना था, 31 तारीख को। तो हम लोग प्रोग्राम रखे थे 13वीं का, तो एक गाँव के बगल का लड़का, गाँव का लड़का है पीयूष सिंह, तो वो आया गाड़ी लेके, तो गाड़ी खड़ी थी रोड के बगल में, तो बोला कि गाड़ी हटाने तो गाड़ी तोड़ देंगे। तो मेरे चाचा जी हैं जो सुरेश राजभर जी, उन्होंने बोला कि गाड़ी हट जाएगी बाबू, आप बगल से ले जाओ, अभी ड्राइवर अंदर है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम गाड़ी तोड़ देंगे, तो बहस हो गया वहाँ पे। फिर वो चला गया, घर चला गया अपने। फिर रात को हम मेरे पिताजी को, जिनका नाम श्री रमेश राजभर जी है, वो गए, बुलाया उन्होंने बुलाया वहाँ पे उनके घर, सुबह में बुलाए उनके घर गए वो, तो उन्होंने मिल के मारने लगा पापा जी को हमारे। अच्छा। तो पापा चिल्लाए हमारे, तो हम लोग दौड़े गए बचाने के लिए, तो उन्होंने उधर से असला है कट्टे थे 8-10 कट्टे थे और भाले लेके आए थे मारने के लिए, और हमारे घर के अंदर ले घुस के मारे हैं। और मेरे चाचा जी को गोली लगी है, एक ऊपर लगी है पेट के और एक अतरी में लगी है गोली, जिनको गोली लगाई उनका नाम सुरेश राजभर जी है, और उनके लड़के हैं धीरज राजभर जी जिनका सर फटा हुआ है, और मेरे दादाजी हैं छांगू राजभर जी उनकी अंगली टूटी हुई है, और एक लड़की है पूजा उसके पैर पर ईट लगी हुई है, और मेरी दादी को भी घर में घुस के मारे हैं, और मेरी आंटी जो भी मारे हैं आप देख लीजिए ये, और 3-4 लोगों और लगी है। तो आप गाड़ी पार्किंग को लेकर ये जी हमारी जमीन है, अपनी जमीन में हम रखे थे गाड़ी। अच्छा। तो वो लड़का जो है हमेशा लड़ाई करता रहता है, एक बगल में ही है घर के विजय राजभर जी हैं, उनके लड़की की शादी थी वहाँ पे भी उसने हंगामा किया था। थाने में तहरीर दिए क्या? जी थाना में तहरीर दिया हमने अभी, जी एडिशनल SP साहब आए उनसे बात हुई है, उन्होंने सांत्वना दिया कि भैया अब बाबू आपको कार्रवाई की जाएगी। मामला है क्या है पूरा मामला? थाना रसड़ा अंतर्गत ग्राम नगर में दो पक्षों में झगड़े में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना है। उस संबंध में भी मैं जिला अस्पताल आया था, बताया गया कि जो घायल है उसकी कंडीशन स्टेबल है, फिर भी एहतियातन बेहतर ट्रीटमेंट हेतु उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया है। उपरोक्त मामले में जो घायल पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर अन्य पक्ष के दो लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। सर ये कैसा विवाद है? ये जो पता चल रहा है कि कल रात को एक घर पक्ष के यहाँ पे तेरही के कार्यक्रम में घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल से रास्ता ब्लॉक होने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आज इनके बीच में बात करते समय वाद विवाद हुआ है, इसी क्रम में आगे की घटना हुई है। बाकी जो तफ्तीश में आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।
सर कितनी गोली लगी है इनको? एक गोली लगने की सूचना है पैर में, जिससे चोट आई है, जिसमें डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थिति स्टेबल थी, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, फिर भी एहतियातन यहाँ से रेफर किया, एक बार हायर सेंटर पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोगों को फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा।